जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया में कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है कोरोना कवच एप्लीकेशन, जिससे आप पता लगा सकते हैं हम कोरोना वायरस के शिकार हैं या फिर नहीं है। तो इस एप्लीकेशन को आपको कैसे यूज करना है, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आपको फ्री में मिल जाएंगे, आप बिल्कुल आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे बताता हूँ इस एप्लीकेशन को किस प्रकार आपको यूज करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है कोरोना कवच। ये आपको एप्लीकेशन सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा, तो आप इसका लोगो भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो सिंपल इसे हम ओपन करते हैं। जैसे ओपन करने का कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं सिटी बाई ऐप यहाँ पे दिखा रहा है। तो सिंपल आपको करना क्या है, मोर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा दिल्ली इंडिया, और इस तरह से यहाँ पे आपको पर्सनल नेम हो गया, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और इसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सेंड मैसेज पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाता है। तो सिंपल आपको कुछ यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप जब फिल कर देंगे तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको हेल्थ के बारे में कुछ पूछा जाएगा, जैसे जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जो आप इन्फॉर्मेशन बताएगा उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये एप्लीकेशन आपको बताएगा क्या आप कोरोना वायरस से बीमार हैं या नहीं है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं, इस तरह से आपको कोरोना कवच एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।